Done. Thank you. Yapay tayo kumita dito. इधर इधर ही बुला ले। बस बस बस। लोग कैमरा। बितला यार बितला। फेस नहीं दिख
आ जाओ भाई। यस हाय। सबसे पहले तो आपको कांग्रेचुलेशन आपके बर्थडे के लिए। थैंक यू। आज लोरी भी है। ओह इसके लिए क्या कुछ कहना चाहोगे आप? मुझे बहुत मज़ा आया यहाँ पे आके, क्योंकि पहली बार मैंने अपना बर्थडे अलग तरीके से मनाया। और यहाँ पे आई जनरली लव हैंगिंग आउट विद किड्स, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बचपन में हमारा इनोसेंस भी इंटैक्ट होता है और क्यूरियोसिटी भी इंटैक्ट होती है और फियरलेस होते हैं हम। ज़्यादा सोचते नहीं हैं कि अभी ये स्टेप लेंगे तो फिर आगे क्या होगा। और दैट एनर्जी टू बी एक्सचेंज्ड वाज रियली रियली स्पेशल एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई गॉट टू सिंग विद देम, डांस विद देम, प्ले विद देम। सो मुझे बहुत मज़ा आया। दिस वाज अ वेरी वेरी स्पेशल बर्थडे। मिथिला आपने पोस्ट किया है, मतलब अगर हम न्यू ईयर की बात करें, अभी न्यू ईयर आया है। हां जी। क्या रिजोल्यूशन आपने पोस्ट किया है प्लास्टिक के बारे में? हां जी हां जी। मुझे ऐसे लगता है कि हम सबने छोटे छोटे अगर हमने स्टेप्स लिए तो वी कैन एक्चुअली कॉन्कर बिग थिंग्स। तो ये मेरा अटेम्प्ट है, छोटा स्मॉल स्टेप टू स्विच फ्रॉम प्लास्टिक बॉटल्स। मतलब मैं एक्चुअली हमेशा से अपनी खुद की बॉटल लेकर जाती हूँ, पर क्या होता है कि बॉटल मतलब इट हैज़ लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर। अगर पूरा दिन चलाना है तो पानी जब ख़त्म हो जाता है फिर हम वी एंड अप बाइंग अ प्लास्टिक बॉटल। तो इंस्टेड ऑफ दैट मैंने सोचा कि मैं एक 2 लीटर की बोतल लेके जाऊंगी जहां भी जाऊंगी पूरे दिन के लिए, और फिर मेरी जो यूजुअल बॉटल होती है वो मैं उससे रीफिल करूंगी। एंड बहुत कुछ छोटी छोटी चीज़ें हम अपने रेगुलर लाइफ में कर सकते हैं, जैसे स्विचिंग टू बैम्बू टिशूज, स्विचिंग टू बैम्बू टूथब्रशेज, ईयरबड्स, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। सो दीज आर वेरी स्मॉल स्टेप्स एंड दे माइट नॉट सीम वेरी बिग राइट नाउ, बट इफ ईच ऑफ अस टेक दीज स्मॉल स्टेप्स आई एम श्योर इट विल लीड अस टू समथिंग बिग। मुझे बहुत ही मजा आया ओरी देवड़ा पे काम करने के लिए, क्योंकि तेलुगु ये एक ऐसी भाषा है जो मैंने कभी, ऑब्वियसली मैं महाराष्ट्रियन हूँ तो मैं मराठी सीखी हूँ, मराठी मुझे आती है, लेकिन तेलुगु इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट लैंग्वेज जो जिसका मुझे एक शब्द भी पता नहीं था। एंड टू बी एबल टू एक्ट एंड इमोट इन लैंग्वेज दैट यू डोंट अंडरस्टैंड इज आई कैनॉट टेल यू हाउ लिबरेटिंग दैट फीलिंग इज। तो मुझे बहुत मज़ा आया और लोगों को पसंद आया। पीपल वेलकम्ड मी इन टू द इंडस्ट्री विद सो मच लव, सो मच वॉर्म्थ, सो इट वॉज वेरी स्पेशल। और मैं चाहती हूँ कि मैं और भी तेलुगु फिल्में करूँ, और भी तमिल, मलयालम, बंगाली, जो भी कन्नड़ा, वॉट एवर कम्स माय, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू इट। एक्चुअली तेलुगु मैं सिर्फ अपनी लाइनें सीख रही थी, और जब मैंने शुरुआत की तो मेरी एक बहुत खास फ्रेंड है, उनकी जो मम्मी है वो मतलब वो फ्रेंड आंध्रा से है, और उनकी मम्मी बेलिना कंटम नेनी आंटी जो मुझे वॉइस नोट, मैंने उनको मेरे सीन्स भेजे, मेरे डायलॉग्स भेजे, वो अपने वॉइस नोट्स मुझे भेजती थी, फिर मैं वो सुन सुन के पढ़ने की कोशिश कर रही थी। तो वो तो था ही, और सेट पे हमारे जो एसोसिएट डायरेक्टर थे कृष्णा जी, उन्होंने बहुत हेल्प की। तो बिफोर एवरी शेड्यूल वो मुझे वीडियो कॉल करते थे, क्योंकि मैं मुंबई में हुआ करती थी, वो हैदराबाद में। तो जब भी मैं वहाँ जाती थी, वहाँ जाने से पहले हम वीडियो कॉल करते थे, फिर मैं देवनागरी में लिखती थी और फिर पढ़ने की कोशिश करती थी, और मुझे बहुत मजा आया। लेकिन द प्रोसेस आई एब्सोल्युटली एंजॉयड इट। 2023 में एक्चुअली बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें होंगी। मैं एक प्रॉमिस करूंगी कि आपने जो भी मैंने अभी किरदार निभाए ये नए प्रोजेक्ट्स में जो रिलीज होने वाले हैं, वे उन किरदारों में आपने मुझे देखा नहीं है, क्योंकि सो फार यू यूज्ड टू प्रोबब्ली सी मी एज अ गर्ल नेक्स्ट डोर। तो आई एम ट्राइंग टू ब्रेक आउट ऑफ दैट एंड ट्राइंग न्यू थिंग्स, आई एम ट्राइंग देम, सो आई होप यू लाइक इट। अनफॉर्चुनेटली मैं ज़्यादा उस पर बात नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज वी आर नॉट एट अ प्लेस वे वी कैन, वी आर रेडी टू टॉक अबाउट दोज प्रोजेक्ट्स, बट दे हैव बीन वेरी एक्साइटिंग एंड आई कांट वेट फॉर ऑल ऑफ यू टू सी इट। एक्चुअली बिग बॉस मैं एक्चुअली फॉलो नहीं कर रही हूँ मैं, तो आई वुडंट। फैंस के लिए मैं यही कहना चाहूँगी थैंक यू, क्योंकि आई एम बिकॉज यू आर। हर दिन जो प्यार मिलता है इन वॉट एवर फॉर्म, या तो स्टोरीज हो या डीएम्स हो या कमेंट्स हो,
it's been so lovely and it's been so warm that my heart is only filled with gratitude for all of you, and thank you for loving, and I promise to bring a smile to your faces for as long as I can. चलो देखो मेरे वैसे ही मिला ना. नहीं नहीं, ओ माय गॉड, इट वाज सो ब्यूटीफुल. क्योंकि स्टेप तो याद है ऑफ कोर्स, लेकिन मैं जब ओरी देवुड़ा के प्रमोशंस कर रही थी तो रामचरण गारू हमारे फ्री रिलीज इवेंट पे आए थे, तो उनसे मिलना हुआ. एंड ही सच अ हम्बल स्वीट पर्सन के टू सी दैट, जो फिल्में हम देखते हैं, जिन लोगों को हम देखते हैं, टू मीट देम इन पर्सन एंड टू सी के दे सच गुड ह्यूमंस एट हार्ट, वो देख के बहुत मज़ा आता है. तो ऑफकोर्स नाटू नाटू द फैक्ट दैट इट वन द गोल्डन ग्लोब, इट्स इनक्रेडिबल. It is a huge matter of pride. And yes, of course, I know the step. You want me to dance? Is that why you asked? Oh my God. But main heels mein kaise karu? It's going to be very difficult. फिर से करना पड़ेगा. उधर से ही, उधर से. मुझे थोड़ा पीछे. इट्स माय फेवरेट स्टेप टू डू. I think it is a matter of huge pride for the Indian film fraternity, क्योंकि they represented the country, not just a part of the country, they represented our country. And इतने सारे globally जितने सारे artists थे उनके सामने उनके साथ nominate होना और फिर उनके साथ जीतना is a huge thing. And I am a huge fan of Rajamouli Garu, so, and Kirmani Garu, so thank you so much for bringing the kind of pride that you got for the country. Thank you.